नमस्कार दोस्तों, बदलेगा भाग्य और आपके जीवन में काफी अच्छा परिवर्तन अब देखने को मिल रहा है, जिसका फायदा दोस्तों आपको अगले 3 दिनों में होने वाला है। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। मैं आशा करती हूँ कि आप माता रानी की कृपा से सदैव खुश रहेंगे। दोस्तों, आपको इस बात से मैं अब अवगत करा दूं कि कुछ जीवन में आप ऐसी गलतियां कर देती हैं जिनका भुगतान आपके परिवार वालों को भरना पड़ जाता है। हमारे इस YouTube चैनल में आपको कुछ ऐसी ही जानकारी बताई जा रही है जो इन 3 दिनों में आपसे होने वाली गलतियों के बारे में आपको सावधान कर सकता है। और दोस्तों, इसके साथ ही हम जानेंगे कि आपके ये 3 दिन कैसे रहने वाला है और दोस्तों ये समय आपका किस प्रकार रहने वाला है। दोस्तों, सबसे अधिक योग आपके राशि के जीवन में बनते हैं, लेकिन दोस्तों इसके बारे में आपको पता नहीं होता है। आपके सामने कुछ चीजें दिक्कत लाकर खड़ी हो जाती हैं। दोस्तों, डर की वजह से व्यक्ति आगे ही नहीं बढ़ पाता है, कुछ ऐसा ही आपके साथ में हो रहा है। दोस्तों, किसी और बात का होने का डर हो तो बने बनाए काम भी बिगड़ जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसलिए आपको समय के साथ इस चीज को दूर कर लेना है, तभी आप कामयाब हो पाएंगे। इंसान धन बर्बाद करता है तो निर्धन बन जाता है, लेकिन यदि समय बर्बाद करता है, दोस्तों यदि वह अपना घर बर्बाद करता है, वक्त बर्बाद करता है, तो उसका पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है। इसलिए आप अपने एक एक समय का आनंद से, खुशी से सदुपयोग करना है। इंसान को कभी भी अपने धन और समय की बर्बादी नहीं करना चाहिए। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है समय। जी हाँ दोस्तों, समय की बर्बादी करने से आप पूरा बर्बाद हो जाएंगे। और यदि ये बात आपको हमारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके जय श्री कृष्ण राधे राधे ज़रूर लिखें। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले माता रानी का आशीर्वाद पाने के लिए कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से जय माता दी लिखकर वीडियो को एक प्यारा सा लाइक ज़रूर करें, ताकि ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं आपकी कुछ खास सावधानियों के बारे में, जो दोस्तों आपको अपने जीवन काल में भूल करके भी ये गलतियां कभी भी नहीं करना चाहिए, वरना आपके घर से चली जाएंगी माँ लक्ष्मी। जी हाँ दोस्तों, सर्वप्रथम है झूठे बर्तन। चूल्हे के ऊपर या उसके आसपास, न ही सिंक में आपको रात के समय झूठे बर्तन रखने चाहिए। माँ लक्ष्मी इससे आपसे रुष्ट होकर सदैव के लिए जा सकती हैं। और दोस्तों, पैसों का अनावश्यक खर्च भी नहीं करना चाहिए। यदि आप पैसों का अनावश्यक खर्च करते हैं तो इससे माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। और शाम के वक्त घर में झाड़ू पोछा नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों मान्यताओं के अनुसार शाम के समय में माँ लक्ष्मी घर में होती हैं। नंबर 3, व्यवहार या फिर आचरण। दोस्तों, महिलाओं या फिर गरीबों को जो लोग परेशान करते हैं या फिर बुजुर्गों का लगातार अपमान करते हैं, ऐसे घरों में माँ लक्ष्मी कभी भी नहीं आती हैं। तो दोस्तों, इन खास गलतियों का आपको ख्याल रखना है। इसके साथ ही दोस्तों, कुछ रोज़ाना गलतियां हैं जिनमें आपको खास सावधानियां बरतने की आवश्यकता है। दोस्तों, आपका विनम्र स्वभाव सराहाया जा सकता है। कई लोग आपकी अच्छी खासी तारीफ कर सकते हैं। एवं दोस्तों, आपका धन कहाँ खर्च हो रहा है, इस पर आपको पैनी नज़र रखनी होगी, नहीं तो दोस्तों आने वाले समय में आपको परेशानी हो सकती है। साथ ही दोस्तों, जीवन साथी से झगड़ा मानसिक तनाव की ओर ले जा सकता है, इसीलिए दोस्तों बेकार का तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। जिंदगी का एक बड़ा सहयोग इस बात को मान लेना है कि बहुत सी चीज़ों को बदलना नामुमकिन है। आपके ईमानदार और जिंदा दिल प्यार में जादू करने की ताकत है। इसलिए दोस्तों, जिंदगी में चाहे आप आज़ादी के बीच, आज आपको अपने लिए पर्याप्त समय मिल सकता है और आप अपने पसंदीदा कार्य को कर पाने में काफ़ी हद तक कामयाब रहेंगे। दोस्तों, इस समय जीवन में आपको वैवाहिक जीवन का भरपूर आनंद मिलेगा एवं सेहत के लिहाज से दौड़ लगाना आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रहने वाला है, क्योंकि यहाँ दोस्तों मुक्ति भी है और एक अच्छी एक्सरसाइज भी। और इसके साथ ही दोस्तों बताएं, सामाजिक गतिविधियों में आपका योगदान रहने वाला है,
और अपनी योग्यताएं साबित करने का आवश्यक प्राप्त होगा। बच्चों की शिक्षा अथवा करियर से संबंधित कुछ निर्णय लेने की आवश्यकता है और दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण कार्य आज निपट सकते हैं। गैर जरूरी खर्चे परेशान करेंगे, इसलिए संतुलन बना के रखने की आवश्यकता है। छोटी से छोटी बात भी बहुत बड़े विवाद का कारण बन सकती है, इसीलिए ध्यान रहे कि व्यर्थ की बातों में ध्यान ना दें एवं शांतिपूर्ण तरीके से आपको समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करना है। व्यवसाय में दोस्तों अभी समय कुछ चुनौतीपूर्ण रहेगा। स्वयं को साबित करने के लिए आपको बहुत अधिक संघर्ष और मेहनत की आवश्यकता है। इस समय दोस्तों पति पत्नी आपस में उचित सामंजस्य बनाकर रखें तथा किसी अन्य व्यक्ति का हस्तक्षेप ना होने दें। इससे दोस्तों प्रेम संबंध मर्यादित पूर्ण बना रहेगा। साथ ही आपको बताएं कि इस समय आपका झुकाव धर्म की तरफ अधिक होगा। पार्टनर और उनके भाई बहन के साथ में लंबी यात्रा की भी योजना बन रही है। अपनी चाहत को और भी दिलचस्प बनाने के लिए आपको अपने दिल भर के साथ में शॉपिंग पर जाने की आवश्यकता है या फिर फिल्में देखें या फिर सब बिन बोले ही आपकी भावनाओं को व्यक्त करते रहें। महीने के ये दिन कुछ दिन दोस्तों आपको दुनिया में ले जाएंगे जिस दिन में दोस्तों आप अपने प्रेमी के साथ में थे, जहां आपको आपके सबसे खास व्यक्ति का प्यार और सम्मान प्राप्त होगा। रोमांस भी आज चरम सीमा पर होगा जिसमें दोस्तों आपका भाग्य पूरा पूरा साथ निभाएगा। दूसरों की गलतियां और अनुभवों से सीख लेने की आवश्यकता है। आपकी सरलता और आपका हंसमुख रवैया आपकी ताकत है। इसे दोस्तों ऐसे ही व्यर्थ ना करें और इसे बनाए रखें। साथ ही आपको बताएं कि नियमित और अच्छा डाइट कार्यक्रम बनाकर आपको उस पर चलने से आपको कुछ ही दिनों में काफ़ी अच्छा लाभ मिलेगा। लेकिन दोस्तों आप इस बात की अपेक्षा करते थे कि अब ये ज़रूरी हो गई है कि आप स्वास्थ्य भोजन और जीवन शैली अपनाते रहें। अब बात कर लेते हैं आपके लव लाइफ के बारे में, कैसी रहेगी आपकी लव लाइफ आइए जानते हैं। तो दोस्तों आज के दिन अन्य एवं दूसरे मौकों के लिए उपयुक्त है। जिन लोगों ने आपके साथ में अच्छी तरह से व्यवहार किया है और नहीं किया है वे लोग दोस्तों आपसे मिले या फिर सलाह लेने आ सकते हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि आने वाली नॉलेजेबल वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।